नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। लोहरदगा कुडू थाना क्षेत्र के कोलसी मरी में 24 दिसंबर को एक युवती के साथ हुए गैंग रेप मामले में आज लोहरदगा पुलिस ने डीएसपी परमेश्वर प्रसाद के नेतृत्व में त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों का नाम ननका उराव पिता रमेश उराव, कर्मा उराव पिता स्वर्गीय चिलगू उराव, मणिराम उराव उर्फ फुलवा उराव पिता गथरू उराव, सुधु उराव पिता डहरू उराव, शंकर उराव पिता मड़वा उराव, वीरेंद्र राम पिता रमा भरी उराव, सभी ग्राम लवागाई थाना कुडू जिला लोहरदगा के निवासी हैं। छापेमारी दल में शामिल परमेश्वर प्रसाद पुलिस उपाधीक्षक लोहरदगा, मंटू कुमार अंचल निरीक्षक, सनी कुमार थाना प्रभारी पुलिस अवर निरीक्षक, कुमारी राधा रागिनी, दिनेश प्रसाद मेहता, राजकुमार बैठा, रामदेव कुमार राय और सशस्त्र बल मौजूद थे। बताते चले कि 24 दिसंबर की शनिवार शाम को एक युवती के साथ हुई सामूहिक दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया था, जिसमें 12 अज्ञात युवकों के नाम मारपीट छेड़छाड़ और दुष्कर्म के संबंध में कुडू थाना कांड संख्या 188/22 दिनांक 24/12/2022 आईपीसी 341, 323, 504, 376 डी और 34 दर्ज की गई थी। मामले पर आज शाम 6 बजे डीएसपी परमेश्वर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी कि संध्या घर में एक युवती अपने मंगेतर के साथ में ग्राम लावागा और कोमसी कोलसिमरी के पतरा वाला जगह में मिलने गई थी। उसी क्रम में ग्रामीणों को कुछ शक हुआ, तब वो लोग जहाँ वो युवक युवती थे उस तरफ गए और युवक को साथ मारपीट करके उनको मारपीट किए, जिससे वो भाग गए। बाद में युवती के साथ भी लपड़ थप्पड़ कर मारपीट किए। युवती के द्वारा आरोप लगाया गया कि 10-12 व्यक्ति आए थे, उसमें 5-7 बच्चे लड़के, उसमें उनके साथ सामूहिक रूप से दुष्कर्म। अब तक के जांच में पीड़िता का चिकित्सीय जांच कराया गया है, प्रतिवेदन उसका अप्राप्त है। 6 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है और अब तक के अनुसंधान में, तकनीकी जांच में 6 ही व्यक्ति के रहने की बात की पुष्टि हुई है। विटामिन न्यूज़ के लिए लोहरदगा से आनंद कुमार सोनी की रिपोर्ट।